हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु और आप देख रहे हो मेरे ही चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक मोनेटाइजेशन इशू से जुड़े। फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, फेसबुक पेज पे मोनेटाइजेशन लेके आप लोगों का इश्यूज है। तो आज मैं इस वीडियो पे वही सारे इशू जो होता है एज ए क्रिएटर फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन करते हुए या फिर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, तो ये सारे डिस्कशन मैं इस वीडियो पे करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहा है फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया है फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके। तो मैं इस वीडियो पे थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि मोनेटाइजेशन किस वजह से आप लोगों का नहीं हो रहा है और जिन लोगों का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है उन लोगों का भी क्या कुछ रीजन है जिसके वजह से फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा है या फिर पेज जो है डिमोनेटाइज हो रहा है। तो ये वीडियो बहुत बहुत वाइटल है अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नो मोर फर्दर डिले, चलिए वीडियो के मुद्दे पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मोनेटाइजेशन से लेके क्या कुछ इशू है जिसके वजह से आप लोगों का मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। ये जो जितने सारे इशू मैं अभी बताऊंगा इनमें से एक ना एक इशू आप लोगों के पेज पे भी हो सकता है जिसके वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो वीडियो को बहुत बहुत बारीकी से देखना दोस्तों ताकि आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाए आज के इस वीडियो से। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, लैंग्वेज प्रॉब्लम। हाँ दोस्तों, लैंग्वेज एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से आपका जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्योंकि फेसबुक का कहना यह है कि फेसबुक ने अभी तक सारे भाषाओं में मोनेटाइजेशन को एक्टिव नहीं किया है, चालू नहीं किया है। इस वजह से बहुत सारे पेज पे बहुत सारे फॉलोअर है, बहुत सारे एक्टिव व्यू हो रहा है, मगर उनके पेज जो है वो फेसबुक मोनेटाइजेशन जो क्राइटेरिया है उस पर नहीं आ रहा है। इसके वजह से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है। जैसे थोड़ी दिन पहले मेरे एक फेसबुक दोस्त ने ही मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा जो पेज है उस पर बहुत सारा एक्टिव फॉलोअर है और मेरे जो वीडियो है फेसबुक पेज पे बहुत सारा व्यू जनरेट कर रहा है, मगर मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों उसका जो लैंग्वेज था वो था एसामिस। तो एसामिस लैंग्वेज में अभी फिलहाल मोनेटाइजेशन फेसबुक के हवाले से एक्टिव नहीं किया गया है। और एक दोस्त ने मेरे ही चैनल पे क्वेश्चन किया है कि सर, मैंने मेरे जो पेज है उस पर बहुत सारे वीडियो जेन्युइन डाल रहा हूँ मगर मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं हो रहा है। मैं मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है 10,000 फॉलोअर और 30,000 एक्टिव वॉच टाइम जो होना चाहिए वो गाइडलाइन पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, मगर फिर भी मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है। उसका नहीं हो रहा था क्योंकि उसका जो पेज है उसका जो वीडियो है वो सारे नेपाली लैंग्वेज में था, इसके वजह से उसका एक्टिव नहीं हो रहा है। तो आप में से अगर कोई भी दोस्त कोई भी भाषा में बना रहे हो तो आपको सबसे पहले वो लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है उसको चेक करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे ही प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हो फेसबुक पर क्रिएटर प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो छोड़ के रखा है कौन सा लैंग्वेज इंडिया में आप लोग यूज़ कर सकते हो फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये आप लोग ज़रूर देखना, इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों का मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो सभी को मालूम है मगर फिर भी वो लोग गलती करते हैं, वो है कॉपीराइट प्रॉब्लम। हाँ दोस्तों, कॉपीराइट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग दूसरे का कंटेंट आपके फेसबुक पेज पे डालोगे तो आपका जो पेज है वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, मगर फेसबुक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो धीरे धीरे सख्त हो रहा है। पहले उतना सख्त नहीं था मगर धीरे धीरे आप जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो हो रहा है उन लोगों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी ज्यादा होते जा रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे फेसबुक क्रिएटर का पेज पहले मोनेटाइज हो गया था और उसके बाद उनका जो पेज है वो डीमोनेटाइज हो गया है कॉपीराइट रहने की वजह से। पहले तो मोनेटाइज कर दिया मगर जैसे ही फेसबुक का एल्गोरिदम को पता चला कि नहीं, इस पेज पे बहुत सारे कंटेंट ऐसे है जो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है, किसी का दूसरे का कंटेंट आप लोगों ने डाला हुआ है, तो उस वजह से जो है मोनेटाइजेशन जा रहा है, डीमोनेटाइज हो रहा है। तो अगर आपके फेसबुक पेज पे भी ऐसा कोई कंटेंट है तो तुरंत जाके उसको डिलीट कीजिए, नहीं तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो नहीं रहेगा, वो कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है। और जिन लोगों का डीमोनेटाइज हुआ है वो लोग भी डिलीट कीजिए और एक्टिवली यूनिक कंटेंट मतलब आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट ही डालिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है
कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत एक वास्ट एरिया है, उसको आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फेसबुक का खुद का पॉलिसी है कम्युनिटी के लिए। तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाके आप वीडियो क्रिएट करोगे तो भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो जा सकता है। बहुत सारे जनों का ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मैं मेरे फेसबुक पेज पे 100% जेन्युइन कंटेंट डालता हूँ, उसके बावजूद भी फेसबुक मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो क्यों नहीं दे रहा है, या फिर मेरा पेज क्यों डिमोनेटाइज हुआ है। कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी आपको समझना पड़ेगा। आप मान लो आपने जेन्युइन कंटेंट बनाया मगर चाइल्ड एब्यूजिंग के ऊपर आपने कंटेंट बना दिया, नहीं तो आपने कोई अल्कोहल या फिर ड्रग ऐसे चीजों के बारे में बोल के जेन्युइन कंटेंट बनाया, तो फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर पॉलिसी के अंदर ये सब आता है, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो नहीं होगा वीडियो का। अगर वीडियो मोनेटाइज है भी तो वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस से जुड़े मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेरे ही, फिर आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, फेसबुक फॉर क्रिएटर प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे वीडियो है, तो आप लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगा कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड। और इसको जानने के बाद ही आपको आपके पेज को, फेसबुक के पेज को फिर से जाके रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी आपको सस्पेक्ट लगता है कि कोई भी कंटेंट ऐसा है आपके पेज पे, तो तुरंत जाके उसको डिलीट कीजिए। डिलीट कीजिए तो ही आपका जो पेज है वो मोनेटाइज होगा, नहीं तो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। और जिन लोगों का डिमोनेटाइज हो गया है इस रीजन के वजह से, उन लोगों को भी डिलीट करना ही करना है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे जनों का कहना होता है कि मेरा कॉपीराइट, कोई भी एक भी कंटेंट कॉपीराइट नहीं है, फिर भी क्यों मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। उन लोगों का शायद हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइन है, जो आपको नॉलेज के कमी के वजह से पता नहीं चल रहा है कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपके पेज पे फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो आप जब तक कम्युनिटी गाइडलाइंस को समझेंगे नहीं, तब तक आप आपके पेज पे जाके रिव्यू नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू से जुड़े, तो वो सारे वीडियो आप लोग जाके पहले देख लीजिए। थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, थोड़ा मैं बोर आप लोगों को फील कराऊंगा, मगर नॉलेज 100% आप लेके जाओगे, जिसके वजह से आप खुद समझ सकोगे कि कौन सा वो इशू है जो आपके पेज को मोनेटाइजेशन होने से रुक रहा है। तो दोस्तों अब जो मैं बताऊंगा फोर्थ पॉइंट वो है फेयर यूज़। हाँ दोस्तों, फेयर यूज़ के वजह से भी बहुत सारे जनों का पेज जो है एट रिस्क आता है, रेस्ट्रिक्टेड आता है, या फिर मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो फेयर यूज़ में आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग इमेज, सिर्फ इमेज इकट्ठा करके वीडियो बना दिया बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक लगा के, तो ये जो है एक कंटेंट एडिटिंग होता है, मगर इस पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है। फेसबुक को क्रिएटिव कंटेंट चाहिए, यूनिक कंटेंट चाहिए। ऐसा एडिटिंग वाला जो वीडियोस होते हैं जिसपे सिर्फ इमेज आता रहता है, टेक्स्ट लिखा आता रहता है, या फिर इमेज स्लाइड शो आता रहता है, ये सारे फेसबुक फेयर यूज नहीं है, ये फेयर यूज के अगेंस्ट है। तो आपको ये सब फेयर यूज क्या पॉलिसी है ये भी समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, फेसबुक फॉर क्रिएटर प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखना इन सारे वीडियो को, तो आप लोगों को और जानकारी मिलेगा। इसके वजह से भी बहुत सारे पेज जो है वो बहुत सारे फॉलोअर और बहुत सारे वॉच टाइम होने के बाद भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और मोनेटाइज हो भी गया पहले तो आप डिमोनेटाइज हो रहा है, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम, फेसबुक के पॉलिसी इसको कंटिन्यूअसली रिव्यू करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है, फेसबुक एल्गोरिदम, फेसबुक अपडेट, फेसबुक पॉलिसी, फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस, फेसबुक कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, किस लिए आता है, ये सारे जानकारी आपको इकट्ठा करके ही फेसबुक प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ताकि आपका पेज आने वाले टाइम पे मोनेटाइज रहे, और जिन लोगों का डिमोनेटाइज हो रहा है, हो गया है, उन लोगों का फिर से डिमोनेटाइज से मोनेटाइज हो जाए। तो डिमोनेटाइज हो गए है, आप लोग सब कुछ हटा दिया, अगर फिर भी मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं हो रहा है, तो आपको जो करना है, मैंने बहुत सारे वीडियो अपील लिंक देके मैंने डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उस अपील लिंक पे जाके आपको सब कुछ बोल के फेसबुक को फिर से एक मैसेज सेंड करना है विद स्क्रीनशॉट के में आपने सब कुछ फेयरली यूज किया है, जितने सारे आपने कचरा करके रखा है सबको सर्व कर दिया है, आपका मोनेटाइजेशन फिर से ऑन कर देने के लिए आपको एक अपील करना है। तो ये आप अगर करोगे तो आने वाले टाइम पे आपका पेज जो है जो डिमोनेटाइज हो चुका है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और जिन लोगों का मोनेटाइज नहीं हुआ है, मोनेटाइज आप लोग करने वाले हो या फिर नया नया पेज क्रिएट किए हो, तो आप लोगों को ये सारे पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। तो फेसबुक क्रिएटर जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है वहां पे जाके सारे वीडियोस को बारीकी से देखना दोस्तों, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना है एज ए फेसबुक क्रिएटर। तो यहां पे मैं
आप जो फिफ्थ पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिफिशियल एक्टिविटी। आप आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने मेरे पेज पे कुछ भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी नहीं किया है, फिर भी मेरा पेज जो है इस रीज़न के वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन आ रहा है या फिर आ सकते हैं या फिर डिमोनेटाइज कर दिया गया है। आर्टिफिशियल एक्टिविटी क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लो आपने आपके फेसबुक पेज पे एक वीडियो अपलोड किए हो, उस वीडियो को आपने आपके जो कम्युनिटी है मतलब आप जिस ऑडियंस के लिए वीडियो बनाते हो उस ऑडियंस से जुड़े बहुत सारे ग्रुप में आपने एक ही दिन में आपने 40-50 शेयर कर दिया। ये आप नहीं कर सकते हो, ये करोगे तो फेसबुक के जो एल्गोरिदम है उससे लगेगा कि आप जो प्लेटफॉर्म है उसको वायोलेट कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल एक्टिविटी कर रहे हो, रोबोटिक्स वर्क हो रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर के खिलाफ है, ह्यूमन बिहेवियर नहीं है ये। तब क्या करेगा फेसबुक, आपका जो पेज है उसको डिमोनेटाइज कर देगा, या फिर अगर आप मान लो कि मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया अभी तक फुलफिल नहीं किए हो मगर आने वाले दिन पे कर सकते हो, व्यू ज़्यादा हो रहा है आप ग्रुप पे शेयर करते हुए मगर ये फेसबुक को अगर आर्टिफिशियल लगा तो आपका जो पेज है वो स्पैम लिस्ट पे चला जाएगा, तो इससे आपका मोनेटाइजेशन कभी भी ऑन नहीं होगा। अगर आप ये कर रहे हो तो इसको रोको। आपको क्या करना है, अगर मान लो आप वीडियो बनाते हो आपके कम्युनिटी के लिए, उस वीडियो को अगर आप आपके कम्युनिटी से रिलेटेड आपके ऑडियंस से रिलेटेड ग्रुप में शेयर करते हो तो दिन में 5 से ज़्यादा ग्रुप में मत शेयर करना, वो रोबोटिक एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, उसको फेसबुक के एल्गोरिथम को लगना चाहिए आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो बरकरार रहेगा, आपके पेज एलिजिबल रहेगा, नहीं तो आपके पेज का एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो हटा देगा, आपके पेज कभी भी आने वाले टाइम पे मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये जो मैं आर्टिफिशियल एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ ये आपको ध्यानपूर्वक काम करना है इसके ऊपर भी। और अभी जो मैं 6th पॉइंट बताऊँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोंट ओपन योर ओन वीडियो। आप लोग जैसे ही फेसबुक पेज पे आपके खुद के वीडियो अपलोड करते हो उसके बाद अगर आपका पेज जो है ऑलरेडी मोनेटाइज है तो आप खुद के वीडियो खुद खोल के मत देखो। फेसबुक के एल्गोरिदम को क्या लगेगा अगर आप आपके खुद का वीडियो को खुद ओपन करके देखते हो तो फेसबुक समझेगा ये एक इनवैलिड क्लिक है। अगर मान लो आपने फेसबुक पेज पे वीडियो डाला है और आपका पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है और उसके बाद आपने क्या किया आपके खुद के वीडियो को खुद क्लिक करके देख लिया और उस पर ऐड आ गया, तो ये जो ऐड आया और आपने जो खुद देखा मतलब आप खुद ही खुद के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो जो कि फेसबुक गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, ये एक इनवैलिड क्लिक काउंट होगा जिसके वजह से आने वाले टाइम पे आपका पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो जा सकता है, आपका पेज डिलीट भी हो सकता है। तो ये सब काम आप मत करो, आपका पेज अगर मोनेटाइज है तो कभी भी भूल से भी आप आपके खुद के वीडियो को खुद मत खोल के देखना दोस्तों। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके वजह से भी बहुत सारे जनों का मोनेटाइजेशन जा रहा है। फेसबुक आप लोगों को इतने बारीकी से समझा के नहीं बोलेगा, मेन रीज़न आपको पता ही नहीं चलेगा उनके मेल से। मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इसलिए आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं अब नेक्स्ट 7वां पॉइंट बताऊँगा वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक आप सोचोगे म्यूज़िक कैसे डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं या फिर पेज के मोनेटाइजेशन कैसे म्यूज़िक के ऊपर डिपेंड हो सकता है। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोनेटाइजेशन होने और या ना होने के ऊपर। अगर मान लो आपका एक म्यूज़िकल पेज है और उस पर आप थर्ड पार्टी कोई भी म्यूज़िक डालते जा रहे हो तो इस पर आपका कोई क्रिएटिविटी नहीं है, दूसरे का म्यूज़िक आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो आप बना रहे हो बैकग्राउंड पे आपने दूसरे का म्यूज़िक डाले हो तो भी आपका पेज जो है मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज हो भी गया पहले टाइम पे, अब नया रूल्स एंड रेगुलेशन के वजह से आपका पेज जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो म्यूज़िक का क्या फेयर यूज़ है ये आपको समझना पड़ेगा। खुद का म्यूज़िक अगर बना सकते हो तो अच्छा है, बहुत सारे जनों का बैकग्राउंड में म्यूज़िक चाहिए होता है क्योंकि आप लोग खुद कॉमेडी करते हो या फिर खुद इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे और बैकग्राउंड पे आप लोग म्यूज़िक चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक है जिसका कोई भी कॉपीराइट नहीं है, वो सब म्यूज़िक आपको यूज़ करना है आपके फेसबुक के वीडियोज़ पे। अगर वो करोगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो एनेबल रहेगा, वो डिसेबल नहीं होगा। मगर आपने खुद थर्ड पार्टी का वीडियो डाल के या फिर कोई थर्ड पार्टी का वीडियो डाल दिए हो जिस पे म्यूज़िक है तो वो आपका पेज जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा कॉपीराइट इशू के वजह से। तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक काम करना है अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो तो।
अब जो दोस्तों बात बताऊंगा ये रिसेंटली अपडेट आया है वो है फेसबुक मीम्स। बहुत सारे लोग फेसबुक मीम्स वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे ऑडियंस को फेसबुक पे मीम्स वीडियो देखना बहुत पसंद है, मगर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मीम्स वीडियो जो है वो फेसबुक फेयर पॉलिसी के अगेंस्ट है, पार्टनर पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आप लोग मीम्स वीडियो बना के बहुत सारा व्यू इकट्ठा कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे आपका जो पेज है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, या फिर बहुत सारे जनों का इस रीजन के वजह से डिमोनेटाइज हो गया है, या फिर आप एक क्रिएटर बहुत सारे मीम्स वीडियो बना रहे हो मगर आने वाले टाइम पे आपका मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं होगा, ये आप मान के चलो। ये एक फेसबुक का नया अपडेट है तो ये आपको जानना ही है। मीम्स वीडियो बना के आप लोग एज ए क्रिएटर फेसबुक पे पैसा नहीं कमा सकते हो, फॉलोअर गेन कर सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो, मगर पैसा कमाना है, मोनेटाइजेशन आपको चाहिए तो आप मीम्स वीडियो नहीं क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक का सीधा सीधा कहना है। तो मीम्स वीडियो बना के आप लोग पैसा नहीं कमा सकते हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे 2019 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखना बहुत सारे मीम्स चैनल का पेज का बहुत सारा फॉलोअर होता है, बहुत सारा व्यू होता है, मगर पैसा वो लोग एक नहीं कमा सकेगा आने वाले टाइम पे। बहुत सारे पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है मगर फेसबुक धीरे धीरे उन सारे जो गार्बेज है मीम्स का उसको हटा रहा है प्लेटफॉर्म से, तो आप लोग को ये ध्यान में रख के फेसबुक पे काम करना है। अब जो बताऊंगा 9th पॉइंट वो है मेडिकल कंटेंट। आप सोच रहे हो मेडिकल कंटेंट जेन्युइन दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ दोस्तों, मेडिकल पे भी बहुत सारे इश्यूज है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, इस पे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अगर आप एक मेडिकल कंटेंट क्रिएटर हो, मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो हमेशा ध्यान पे रखना कोई भी सेंसेशनल वीडियो मत दिखाना जिस पे आप लोग बोलोगे 2 दिन में आप 20 किलो वेट लूज कर लोगे ये मेडिसिन लेने से। तो ये सब सेंसेशनल होता है, इसका वास्तव के साथ कोई संपर्क नहीं होता। ऐसा सेंसेशनल वीडियो बनाओगे या फिर जो बॉडी को पतला या फिर गेन वेट गेन ये सारे वीडियो अगर आप लोग बनाओगे तो ये भी फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ऐसा वीडियो से भी आप लोग पैसा नहीं कमा सकते। तो अगर आप लोग ऐसा वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो आज ही बंद कर दो ऐसा वीडियो बनाना। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना सकते हो मगर सेंसेशनल कंटेंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा कोई भी चीज़ वास्तव से कोई मिल जुल नहीं है ऐसा वीडियो, या फिर आप लोग कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग कंटेंट मेडिकल से रिलेटेड या फिर कोई मेडिकल प्रोडक्ट सेल करने की आप लोग सोच रहे हो कंटेंट क्रिएट करके, तो ये सब आप नहीं कर सकते हो 2019 में। अगर करते हो तो आपका जो पेज है वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा दोस्तों। अब जो मैं बताऊँगा 10th पॉइंट, ये भी बहुत वाइटल है, बहुत सारे क्रिएटर को ये भी समझना है, प्रमोशन। हाँ दोस्तों, आप प्रमोशन नहीं कर सकते हो एज ए क्रिएटर फेसबुक वीडियोस पे, फेसबुक पेज पे आपका कोई भी प्रमोशनल, मतलब कि मान लो आपने किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेके आपके पेज पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस का प्रमोशन कर रहे हो तो भी आपका जो पेज है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा या फिर मोनेटाइज आने वाले टाइम पे नहीं होगा। बहुत सारे पेज का बहुत सारे फॉलोअर होता है और वहाँ पे वो लोग थर्ड पार्टी से पैसा लेके, ब्रांड से पैसा लेके उनका एड जो है प्रमोट करते हैं, उनका प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, उनका सर्विस जो है वो इमेज या फिर टैक्स या फिर वीडियो बना के डालते हैं। अगर आप लोग कर रहे हो तो 2019 में आपको ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो आने वाले टाइम पे एनेबल नहीं रहेगा। तो आज जो मैंने ये 10 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, इन 10 पॉइंट के वजह से बहुत सारे पेज का डिमोनेटाइज हो रहा है या फिर बहुत सारे पेज डिमोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज़ एज ए क्रिएटर जानना समझना और परख के ही आपको काम करना है। बहुत सारे जनों का इनमें से कोई एक ना एक हो सकता है रीज़न जिसके वजह से फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा है। अच्छा करता हूँ, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और कोई दोस्त मेरे को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, जितना हो सके मेरे से एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।